आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और आज ये एक न्यूज़ है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, उन बच्चों के लिए जो बच्चे पुराने हैं JNU में पहले से पढ़ते हैं। तो आप सभी को मालूम भी होगा कि JNU में विंटर सेमेस्टर के जो फोलियो हैं, यानी कि जो फॉर्म है, वो फिल किए जा रहे हैं विंटर सेमेस्टर 2021 सेशन के लिए। तो उसी को डेट को बढ़ाते हुए JNU ने अपनी एक्सटेंड डेट कर दिया। पहले जो लास्ट डेट थी वो 3 फरवरी थी, अब जो डेट है वो 8 फरवरी हो गई है, यानी कि 8/2/2021 तक आप अपना विंटर सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इससे पहले के वीडियो मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस क्या क्या है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उनसे रिक्वेस्ट है वो जाके आप वो वीडियो देख लीजिए। हालांकि मैं इसमें भी एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि आपको किस तरह से ऑनलाइन अपना प्रोसेस करना है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा और ऑफलाइन के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से, कि आपको किस तरह से ऑनलाइन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है। तो चलिए फिर आज का जो सर्कुलर नोटिस है वो देख लेते हैं, जो 3 फरवरी का आया है। और इसमें जो नोटिस है वो डेट एक्सटेंड का है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है ऑनलाइन मोड पे, क्योंकि जितनी भी सारी प्रक्रिया वो सारी ऑनलाइन हो रही है। क्योंकि आप सभी को मालूम भी होगा कि JNU अभी बंद है, तो जो बच्चे पुराने हैं उनको विंटर सेमेस्टर ऑनलाइन करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ऊपर आप देख रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स विंटर सेमेस्टर 2021। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे पुराने हैं, नए बच्चों के लिए नहीं है। नए बच्चों का भी मानसून सेमेस्टर चल रहा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि आपको भी हो सकता है, चांसेस हैं कि आपको भी जो आपका विंटर सेमेस्टर हो वो भी ऑनलाइन ही करना पड़े। तो आप देख लीजिए, नॉलेज के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हॉस्टल ड्यूज, क्लियरेंस, ऑनलाइन पेमेंट और नोटिस और सर्कुलर्स का ये पेज है, JNU का ऑफिशियल है। तो हम पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या क्या है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे कंप्लीट करेंगे तो आपके सामने कुछ फॉर्म वगैरह ओपन खुल के आएंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन में आपको बता दूँ दो तरीके से होता है, एक होता है हॉस्टल वालों के लिए और एक होता है डे स्कॉलर के लिए। तो मैं आपको इसमें दोनों चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हॉस्टल वाले बच्चों की। तो जैसे ही आप हॉस्टल पर क्लिक करेंगे तो हॉस्टल वाले आपको इस तरह से नया स्लाइड खुल के आ जाएगा। स्टूडेंट्स हैव टू क्लियर ऑल देयर हॉस्टल ड्यूज एंड ऑल पेमेंट एज पर द रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो आपको सबसे पहले अपना हॉस्टल ड्यूज जो है वो क्लियर करना होगा, जो 1100-1200 आपका इस्टेब्लिश चार्ज होता है। अगर आप मैस में हैं तो आपको मैस बिल भी चार्ज करना होगा, क्योंकि अभी JNU बंद था, तो JNU बंद था तो मैस भी बंद रहेगी। तो इसीलिए इस बार जो है वो मैस बिल नहीं आया, लेकिन कुछ बच्चे वहाँ पर रुके हुए थे तो उनका मैस बिल आया है। आप किसी भी हॉस्टल से हो, क्योंकि JNU में बहुत सारे हॉस्टल हैं तो सबकी लिस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी, दिखानी मुश्किल है। तो आप जिस भी हॉस्टल से हैं आप अपने हॉस्टल का ड्यूज़ चेक कीजिए। हालांकि मैं आपको बता दूँगा कि आपको उसका हॉस्टल ड्यूज़ आपको किस तरह से चेक करना है, मैं आपको इसी वीडियो में सबका लिंक बताऊँगा कि कैसे आपको अपना ड्यू हॉस्टल चेक करना है। तो इसी स्लाइड में नीचे आएंगे आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस ऑफ द हॉस्टल और सेंडिंग द स्कैंड कॉपी ऑफ रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बैंक अकाउंट नंबर फॉर ऑनलाइन पेमेंट फॉर हॉस्टल ड्यूज। तो आप यहां से देखिए कि आपको जब आप ड्यूज पे कर देंगे अपने हॉस्टल का, उसके बाद आपको जो रिसिप्ट होगी, यानी कि जो गूगल पे से, SBI से, जिससे भी आपने पेमेंट की होगी, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको अपने हॉस्टल की ईमेल आईडी पर उसे मेल करना है क्लियरेंस लेने के लिए। क्योंकि जब तक आप क्लियरेंस नहीं लेंगे तब तक आपको वहाँ से वेरीफाई नहीं होंगे कि आप सेमेस्टर के लिए अवेलेबल हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले हॉस्टल वाले बच्चों को अपना हॉस्टल जो है वो मैस क्लियर करना होगा और उसी स्लिप को स्क्रीनशॉट लेकर अपने हॉस्टल की ईमेल आईडी पे सेंड कर देना है, और फिर वो आपको वेरीफाई कर देंगे कि इस बच्चे ने हॉस्टल पेमेंट क्या है सबमिट कर दी है, आप इस बच्चे का सेमेस्टर फोलियो एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे पहले आपको नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे आप हॉस्टल ड्यू कर देंगे तो आपको अपने हॉस्टल की मेल आईडी पर आपको उस स्लिप को मेल करना है। देखें यहाँ ब्रह्मपुत्र, चंद्रभागा, गंगा, गोदावरी, झेलम, कावेरी, कोयना, लोहित, महामांडवी, मांडी, नर्मदा, पेरियार, साबरमती, तो जितने भी हॉस्टल हैं JNU के उनकी सारी ईमेल आईडी है। आपको इन्हीं स्लिप पे आपको अपना ड्यूज जो है वो फिल करना है, यानी कि सबमिट ऑनलाइन पेमेंट करके इन्हीं ईमेल आईडी पे आपको वहाँ पे मेल करना है। तो अब जैसे ही आप मेल कर देंगे आपको वापस से मेल आएगा क्लियरेंस का, कि
जी हमें आपने जो क्लियरेंस है वो दे दी है, मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा कि देखिए इस तरह से किसी भी हॉस्टल से वो आएगा। अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि आपके वो क्लियरेंस मिल जाएगा। जैसे ही आपको क्लियरेंस मिल जाएगा तब आपको सेमेस्टर की अपनी फ़ी पे करनी होगी, कि हर सेमेस्टर की फ़ीस अलग अलग होती है, हर कोर्स की अलग अलग होती है। तो मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा कि आपको किस तरह से वो फ़ी पे करनी है सेमेस्टर की। लेकिन उससे पहले डे स्कॉलर की बात कर लेते हैं। जो बच्चे डे स्कॉलर हैं उनको क्या करना है, क्योंकि उन्हें हॉस्टल की फ़ीस तो पे नहीं करनी होती है, तो उन्होंने अपने आई कार्ड का फ़ोटो क्लिक करके, ये IHA की मेल है, आप ब्लू ब्लू के साथ जो देख रहे हैं, IHA- करके ND@gmail.com JNU.ac.in पे आपको भेजना है। वहाँ से आपको वेरीफाई कर देंगे, फिर आपको सेमेस्टर फीस ऑनलाइन करनी है और अपने सेंटर ID पे अपना जो फोलियो होता है वो सबमिट कर देना है। तो ये डे स्कॉलर वाले बच्चों के लिए आपको हॉस्टल फ़ी पे जो मैस बिल है वो नहीं देना होता है, सिर्फ आपको सेमेस्टर जो फ़ीस होती है वो पे करनी होती है। हर कोर्स की अलग होती है, चाहे आप BA में हो, MA में हो, MSc में हो, सर्टिफिकेट में हो, डिप्लोमा में हो, जिस भी कोर्स में आप डे स्कॉलर, आपको इतनी फ़ी पे करनी होगी। स्टेप 2 यही है, आपको सेमेस्टर फ़ीस का ऑनलाइन का प्रक्रिया करनी है। और स्टेप 3 है, आपको अपना फोलियो जो है वो अपने सेंटर को मेल करना होता है। तो चलिए फिर अब देखेंगे ऑनलाइन पेमेंट हम किस तरह से करनी है, चाहे आप हॉस्टल के हों चाहे आप डे स्कॉलर हों, दोनों को आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। और सबकी सेम होती है, ऐसा नहीं कि हॉस्टल वालों के लिए सेमेस्टर फ़ीस अलग होती है और डे स्कॉलर के लिए सेमेस्टर फ़ीस अलग होती है, नहीं, दोनों की सेम होती है। अब हम आएंगे ऑनलाइन पेमेंट पे। आप देखिए जैसे ही हम ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे एक नया लिंक खुल के आ जाएगा, आपको उसी लिंक पे जाके क्लिक करना है और आप JNU का जो कैशलेस पॉइंट है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट के नीचे जाएंगे तो इस तरह से देखिए, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द सेमेस्टर फ़ी यूज़ URL, ये आप URL देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से जाके अपनी जो फ़ीस पेमेंट है वो कर सकते हैं। हालांकि अभी कुछ बच्चों की क्वेरीज भी थी कि सर ये साइट नहीं चल रही है, तो ज़्यादा वर्क होने की वजह से हो सकता है कि जो इसकी साइट है वो थोड़ा प्रॉब्लम करे, तो फिर बाद में आप ट्राई करते रहिए। हालांकि इसके इस समस्या के लिए JNU ने अपनी हेल्पलाइन नंबर भी दी है, आप देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू आ रहा है तो आप, ये 2 मेल हैं, आप इनको मेल कर सकते हैं, इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप नोट डाउन कर ले और इस पर मेल कर दें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। अब पॉइंट नंबर 2 है, इन केस ऑफ इंटरनेट ID और पासवर्ड इश्यूज़ प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिस नंबर ऑफ CIS। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सेंटर ID यानी कि जो आपकी साइबर ID आई है, अगर नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो नए बच्चे जो साइबर ID आई है वही आपको संभाल के रखनी है। हर सेमेस्टर में आपको उसी से लॉगिन करना होगा तभी आपका सेमेस्टर फ़ी होगा, यानी कि आपको सेमेस्टर फ़ीस करने के लिए आपको साइबर ID आपके पास होना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई बच्चे के पास याद नहीं है या वो अपना पासवर्ड भूल चुका है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, वो आपको आपकी ID और पासवर्ड दोनों बता देंगे, बस आपको अपना नाम और अपने स्कूल बताना होगा। वो इस सुविधा को आपके लिए अवेलेबल है CIS में, ठीक है। अब जैसे ही आपकी ये जो हेल्प है अगर ये पूरी हो जाए, ईमेल कर दिया अगर नई इशू आ रहा है, अगर आप साइबर ID और पासवर्ड भूल गए हैं तो इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे कि आपको आगे के लिंक पर कैसे जाना है। जो ऊपर आपको लिंक दिखाया गया था ब्लू, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नया एक स्लाइड खुल के आ जाएगा जहाँ पर स्टूडेंट वगैरह के लिए अवेलेबल है। तो चलिए हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही हम ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया स्लाइड खुल के आ जाएगा, वेलकम टू JNU कैशलेस कैंपस पोर्टल। ये JNU का अपना इंटरनल पोर्टल है जहाँ पे किसी भी कोर्स के बच्चे आएंगे और अपना जो सेमेस्टर फीस है उसको वहाँ पे अपलोड कर देंगे, यानी कि पेमेंट कर देंगे। तो इसी में जैसे आप नीचे आएंगे तो इस तरह से 3 चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी आपको, स्टूडेंट, स्टाफ, एम्प्लॉय या अदर या एलुमिनी। तो अभी हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही आप स्टूडेंट वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो एक नया स्लाइड खुल के आ जाएगा जहाँ पे आपको आपका साइबर ID और आपका पासवर्ड मांगा जाएगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं, तो देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, एंटर योर इंटरनेट यूज़र नेम पासवर्ड, इफ़ यू डोंट हैव अ इंटरनेट यूज़र नेम प्लीज़ कॉन्टैक्ट CIS रूम नंबर 3 SBT बिल्डिंग JNU। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप JNU के उस पर जाएंगे स्टूडेंट वाले पे, तो आपसे यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आप इसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर दीजिए। तो मैं आपको फिल करके बताता हूँ कि आप अपना यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड
फिल कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड, जो मेरा यूज़र नेम है और पासवर्ड है, वो मैंने फिल कर दिया। सिक्योरिटी के रीज़न से इसे हाइड कर दिया गया। आपका जो भी हो वो आप इसमें फिल कर सकते हैं, साइबर आईडी और अपना पासवर्ड। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर एक नया कॉलम खुल के आ जाएगा, नया स्लाइड इस तरह से खुल के आएगा जहाँ पर आपका सेमेस्टर फीस लिखा हुआ आएगा। ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी टू पे एकेडमिक सेमेस्टर फी फॉर द अपकमिंग सेमेस्टर। तो जैसे ही आप ऑप्शन वाले क्लिक पर करेंगे तो एक 9th B और करंट सेमेस्टर का लिखा हुआ आएगा। आपको करंट सेमेस्टर पे करके प्रोसीड टू पे कर देना है। अब जैसे ही आप पे करेंगे तो एक नई तरीके से, तो आप किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं, UPI, SBI, जिससे भी आपको सूटेबल हो उससे कर सकते हैं। और उसका स्क्रीनशॉट कहीं नहीं भेजना है। तो जैसे मैंने पे कर दिया है, आप देख सकते हैं ये फीस पेमेंट है, पेमेंट रिसिप्ट है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इसी से आप अपना सेमेस्टर फोलियो आपको फिल करना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें बात याद रखने वाली है, यही है कि आपको पेमेंट रेफरेंस नंबर याद रखना है जो नीचे लिखा हुआ है JNUCC-21। ये सारा रेफरेंस नंबर है, ये आप नोट डाउन कर ले। और देखिए सेमेस्टर जो फीस है MA की वो ₹108 है, और बाकी GST वगैरह कुछ नहीं है, और टोटल अमाउंट ₹108 है। तो ये आपका सेमेस्टर फीस है, आप ट्राई कर सकते हैं। ये पूरा हमने आज जो बताया है वो ऑनलाइन पेमेंट का बताया है। अब आप जैसे ही ये ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको सेमेस्टर फोलियो फिल करना है। तो ये आपका सेमेस्टर फोलियो है जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का है, 2021 के विंटर सेमेस्टर का। आप पुराने बच्चे हैं तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सारी चीज़ें वही हैं जो आपको पहले साल भरनी होती है, या आपने जो भरी होगी, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जेंडर, प्रोग्राम ऑफ स्टडी, फील्ड, स्कूल, सेंटर, ईयर ऑफ एडमिशन, रजिस्ट्रेशन फॉर सेमेस्टर, इनरोलमेंट नंबर, कैटेगरी, और नीचे आपको सब सारे कोर्स फिल करने हैं जो भी आपके कोर्स होंगे, चाहे आप BA के हों, MA के हों, PhD के हों, MPhil के हों, MSc के हों, MTech के हों, जिस भी कोर्स से आप बिलोंग करते हैं उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, और अपना फ़ोटो चिपका के अपने सेंटर की मेल ID पे इसको मेल करना है। और इसके नीचे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया था, आपको रेफरेंस नंबर याद ज़रूर रखना है, क्योंकि इसमें आपको रेफरेंस नंबर बिल्कुल मैंडेटरी ज़रूर भरना है। इसके साथ साथ कोई और अदर डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें नहीं मेल करना है, सिर्फ आपको यही फोलियो फिल करके अपने सेंटर की मेल ID पे मेल कर देना है। तो चलिए इसके नीचे का जो रेफरेंस नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस पे अपना रेफरेंस नंबर फिल करना है। तो नीचे जैसे हम आएंगे यहाँ पे आप देखिए आई हैव पेड द फीस वाया रिसिप्ट नंबर, जितनी भी रिसिप्ट होगी उसमें आप यहाँ नंबर लिख दीजिए पूरा, किस तारीख को की है, और आपने जो फोलियो किस तारीख को सबमिट किया है वो भी आपको लिखना मैंडेटरी है, और आप यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट कर देना। तो जैसे ही आप ये फिल कर देंगे आपको अपने सेंटर की मेल ID पे से मेल करना है, फिर उधर से एक मेल आएगा, फिर आपके सेंटर से एक आपको मेल किया जाएगा जो वापस आएगा, उसको आपके नीचे डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, उसमें आप अपना रूम नंबर, MCM वगैरह जो डिक्लेरेशन की चीज़ें हैं उसमें आपसे मांगी जाएगी, उन्हें फिल करके आप अपने सेंटर को वापस से मेल कर दीजिए। उसके बाद सेंटर से कोई मेल नहीं आएगा, आपका विंटर सेमेस्टर 2021 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। तो बस आज की वीडियो में हमने यही बताया कि आपको ऑनलाइन पेमेंट किस तरह से करनी है, ड्यूज चेक कितना कैसे करना है, और ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है। डे स्कॉलर हो चाहे आप हॉस्टल वाले हो, आपको इसी तरह से पेमेंट करना है, और इसी तरह से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन बच्चों को हमारा काम पसंद आता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।